अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रूसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएचपी लूप टाइप्स, के लूप जो है पीएचपी में किस तरह एग्जीक्यूट होंगे और पीएचपी कितनी टाइप्स के लूप्स कितनी टाइप्स को सपोर्ट करता है। लूप्स होते हैं पीएचपी में एग्जीक्यूट यूज़ होती हैं टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, के एक स्पेसिफिक नंबर तक उस कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग लूप्स को यूज़ करते हैं। तो पीएचपी जो सपोर्ट करता है वो फॉलोइंग फोर टाइप्स के लूप्स हैं। फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है और फॉर ईच लूप है। फॉर लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, के फॉर लूप हम यूज़ करेंगे कि जब हमने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम के लिए ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। व्हाइल लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ एंड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, कि जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू है तब तक व्हाइल लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। डू व्हाइल लूप कब यूज़ करेंगे जो है वो यूज़ होता है थ्रू ब्लॉक ऑफ कोड वंस एंड देन रिपीट्स द लूप एज लॉन्ग एज अ स्पेशल कंडीशन इज ट्रू। कि डू में हमारे पास क्या है कि ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट ज़रूर होगा, फिर बाद में जो है हमारे पास जो कंडीशन होगी उसको चेक किया जाएगा। फॉर ईच जो लूप है, लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे, एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आइट्रेट करने के लिए और उनको लूप थ्रू करने के लिए फॉर ईच जो है लूप को यूज़ किया जाता है। और इनमें ही हम ब्लॉक और जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स हैं उनको यूज़ करेंगे कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लूप्स की एग्जीक्यूशंस को। द फॉर लूप स्टेटमेंट की बात करें तो जो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है, इसमें हमारे पास फॉर कीवर्ड में इसकी जो बॉडी स्टार्ट करेंगे, फॉर कीवर्ड यूज़ करेंगे और राउंड ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास तीन वैल्यूज आती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके बाद इसकी बॉडी जो है वो स्टार्ट करेंगे और बॉडी क्लोज करेंगे, इसमें जो हमने कोड को जो एग्जीक्यूट करवाना है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। इनिशियलाइजेशन में हम वेरिएबल जिसको हमने उसकी उसको इनिशियलाइज करवाना है, यानी कि उसको यूज़ करना है उसकी स्टार्ट वैल्यू से, कि अगर वेरिएबल ए है तो उसको ज़ीरो से हम स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, वन से स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं या टेन से स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद कंडीशन में चेक करेंगे कि अगर मैं कहती हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो वो ए हमारे पास इसमें कंडीशन होगी जिसको वो हर दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा। जब भी लूप एक बार हमारी एग्जीक्यूट होगी उसके बाद जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा तो फिर इस कंडीशन को वो एवेल्यूएट करेगा। और इसमें क्या है, लास्ट में हमारे पास जो इंक्रीमेंट ये जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीज करना है हर आइट्रेशन के बाद या डिक्रीज करना है। इसमें दो वेरिएबल्स लिए हैं ए और बी, और इन दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज़ की है। फॉर लूप को यूज़ किया जिसमें हमने एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया और उसको हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करवाया और कहे कि जब तक आई की वैल्यू लेस है फाइव से तो आई में क्या करना है, हमने इंक्रीमेंट करना है। और इसकी कंडीशनल जब इसकी फॉर की बॉडी स्टार्ट किया तो हमने ये किया है ए के ए फॉर में हमने यूज़ किया है कि ए में जो है वैल्यू 10 ऐड करते जाना और बी में वैल्यू जो है वो 5 ऐड करते जाना है, और इसको हमने इन वेरिएबल्स को हमने इक्वल करवा लिया। इसकी आउटपुट चेक करते हैं, सो होता है कि एट द एंड ऑफ लूप ए इज इक्वल टू 50 एंड बी इज इक्वल टू 25। जब फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हुआ तो उसकी वैल्यू 10 हो गई, बाद में उसमें जो है जो आई की वैल्यू थी वो इंक्रीज होगी, जीरो से वो 1 आ गई, तो 1 इज़ लेस देन 5 है यानी कि ये ट्रू है। तो फिर इसने क्या किया है, जो हमारे पास ए की वैल्यू 10 थी उसमें हमने 20 ऐड कर दिया, और 10 और ऐड कर दिया तो 20 हो गया, और 5 में 5 और ऐड किया तो 10 हो गया। देन दोबारा हमारे पास जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हमने, क्योंकि यहाँ पर दोबारा इटरेशन कम्प्लीट हो गई, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू जो थी वो 2 हो गई, तो 2 इज़ लेस देन 5, 2 इज़ लेस देन 5 ये ट्रू है, इसलिए दोबारा ये 4 की बॉडी में आएगा, और हमारे पास जो लास्ट वैल्यू थी वो 20 स्टोर थी और बी में 5 स्टोर थी, तो ये हमारे पास 30 और 15 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट जो आइट्रेशन होगी इसमें 3 आ जाएगा, 3 इज़ लेस देन 5 है, 4 इज़ लेस देन 5 है, और जब 5 इज़ लेस देन 5 होगा तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास 4 जो फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
वाइल लूप के स्टेटमेंट के सिंटेक्स को देखें तो वाइल में हमारे पास यहाँ पर जस्ट कंडीशन होती है, कोड जो होगा उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड जो वाइल की बॉडी में होगा। इसकी एग्जांपल वाइल लूप के इंप्लीमेंट करते हैं कि हमने एक वेरिएबल आई लिया जिसको इनिशियलाइज करवाया है 0 से, और एक नंबर लिया है जिसकी वैल्यू है 15। जब तक वाइल लेस देन है 10 से, यानी कि वाइल में आई की जो वैल्यू है वो लेस है 10 से, तो नंबर में डिक्रीमेंट करते जाना है। और बाद में हमने जो हमारे पास आई है वेरिएबल उसको इंक्रीज करना है बाय 1, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमने उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज करनी है, ताकि जो आई की वैल्यू वो इंक्रीज होती जाए और लेस देन रहे 10 से। तो लूप स्टॉप एट आई इज इक्वल टू 10 एंड नंबर इज इक्वल टू 40। तो जो मेरे पास 1 पे 0 से स्टार्ट किया, 0 इज लेस देन 10 था तो ये ट्रू था, तो इसमें जो वैल्यू थी वो डिक्रीज होगी 50 से 49 आ गई, और बाद में आई की वैल्यू को हमने इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज किया तो हमारे पास 0 से यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 1। अब 1 इज लेस देन 10 है, ये भी ट्रू है, फिर हमारे पास जो वैल्यू डिक्रीज होगी और आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 10, नंबर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी और आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 3 4 5 6 7, सो अप टू 10 तक जाएगी। और जब 10 इज लेस देन 10 तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो हमारे पास ये इसकी आउटपुट आ गई है कि 10th पोजीशन पे आई की जो नंबर है वो 40 हो गया, और उसके बाद लूप जो है वो स्टॉप हो गया। जो डू वाइल लूप स्टेटमेंट है, इसमें डू वाइल स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट 1, कि एक दफ़ा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा देन फिर उसकी कंडीशन चेक होगी। तो इसका सेंटेंस देखें तो डू में उसकी बॉडी स्टार्ट हो गई, कोड जो उसका होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसकी बॉडी क्लोज होगी, देन वाइल कंडीशन वाइल लूप जो है उसको यूज करेंगे। इसकी एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। डू में मैंने क्या कह दिया, डू आई इज इक्वल्स टू आई में इंक्रीमेंट करें वाइल आई इज लेस देन 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, लूप स्टॉप एट आई इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट जो लूप की टाइप है वो है फॉरिच लूप स्टेटमेंट। फॉरिच लूप स्टेटमेंट जो है उसको यूज़ करेंगे एरेज के लिए। तो फॉरिच पास द वैल्यू ऑफ करंट एरे एलिमेंट इज असाइन टू द वैल्यू एंड द एरे पॉइंटर इज मूव बाय 1 एंड इज द नेक्स्ट पास नेक्स्ट एलिमेंट विल बी प्रोसेस। हमारे पास फॉरिच कीवर्ड को जब हम यूज़ करेंगे, इसके सिंटेक्स को देखते हैं, एरे एज वैल्यू कोड टू बी एग्जीक्यूट। तो एरे की जितनी भी वैल्यू होगी वो एरे की जो फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होगी और वो प्रिंट हो जाएगी, देन एरे का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, 1 इंक्रीमेंट आ जाएगा, और जो उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी वो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह थर्ड फोर्थ जितनी भी हमारे पास एरे में वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होती जाएंगी, वो एग्जीक्यूट होती जाएंगी। इसकी एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अगर हम कोड को समझे तो हमने एक वेरिएबल लिया है एरे, और उसको हमने एरे कीवर्ड के थ्रू हमने एरे क्रिएट की है, और इसमें हमने वैल्यूज दे दी हैं 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज दी हैं एरे के, और इनको कोमा से सेपरेट किया है। ये एरे क्रिएट करने का वे है। फॉरिच लूप को यूज़ किया है जिसमें हमने कहा है कि इस जो हमारे पास एरे वेरिएबल है एज वैल्यू, कि एरे के हर जो उसके इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको इस वेरिएबल वैल्यू में स्टोर कर दो और उसको प्रिंट करवाना है। सब इसके आउटपुट चेक करते हैं। तो मेरे पास वैल्यू इज 1 2 3 4 5, यानी कि 5 दफ़ा जो ये फॉरिच जो लूप है ये आइट्रेट हुए। फर्स्ट वैल्यू आई उसने जो है वैल्यू वेरिएबल जो है उसमें स्टोर हुई और उसको प्रिंट किया है। देन एरे का जो इंडेक्स था वो नेक्स्ट 2 पर आ गया, 2 की वैल्यू इसमें स्टोर हो गई, उसको प्रिंट किया, फिर 3 4 एंड 5, इसी तरह ये बाकी वैल्यूज इसकी प्रिंट हो गई। जो हमारे पास इसमें कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए, लूप्स को कंट्रोल करने के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक कीवर्ड को यूज़ करते हैं टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप परमानेंटली।
कि लूप की जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप करने के लिए ब्रेक कीवर्ड को यूज़ करते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इज सिचुएटेड इनसाइड द स्टेटमेंट ब्लॉक। इट गिव्स यू फुल कंट्रोल एंड व्हेन एवर यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द लूप यू कैन कैम आउट। आफ्टर कैमिंग आउट ऑफ द लूप इमीडिएट स्टेटमेंट ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। कि अगर हम लूप से बाहर आके बाहर आना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लूप ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और उसके बाद जो बाकी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। इसमें मैंने वेरिएबल एक आई लिया और इसको इनिशियलाइज करवाया है जीरो से। कि मैंने कहा व्हाइल आई इज़ लेस देन 10 तो हमारे पास क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास आई की वैल्यू 3 आ जाती है तो उसको ब्रेक कर देना है और जितनी भी उसकी वैल्यू उस वक्त तक इंक्रीमेंट हो चुकी होंगी उनको हमने प्रिंट करवा लेना है। इसकी आउटपुट चेक करें तो मेरे पास आता है लूप स्टॉप डेट आई इज इक्वल टू 3, क्योंकि मैंने कहा है कि जब आई की वैल्यू 3 की इक्वल हो तो उसको प्रिंट कर दे। यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वल करवा लूँ तो मेरे पास फर्स्ट वाली वैल्यू प्रिंट हुई है, सेकंड वाली हुई है, थर्ड पे उसने स्टॉप करके उसके बाद उसने जो है इस लूप को एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। नेक्स्ट जो है वह हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। पीएचपी में कंटिन्यू कीवर्ड को यूज किया जाता है टू होल्ड द करंट आइट्रेशन, यानी कि जो उस वक्त जो करंट आइट्रेशन है उसको स्टॉप करने के लिए, कि उसको होल्ड कर दें, उसको होल्ड कर दें ऑफ द लूप बट इट डजेंट टर्मिनेट द लूप। कि जो लूप होगा उसको टर्मिनेट नहीं करना, उसकी बस जो वैल्यू है करंट स्टेट जो है उसको होल्ड करना है। इसमें हमने एक एरे ली है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 उसके मैंने उसकी वैल्यूज दे दी हैं। फॉर ईच एरे एज वैल्यू और उसकी जो वैल्यू वेरिएबल जो है उसको प्रिंट करवाएंगे। लेकिन कहा है कि इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 3, यानी कि जब वैल्यू की वेरिएबल जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 3 के इक्वल आ गए तो उसको कंटिन्यू कर दें, यानी कि उस जो स्टेट जो है करंट एट्रेशन को है वो कंटिन्यू कर दें। तो जो हमारे पास 3 होगा वो प्रिंट नहीं होगा, उसके अलावा 4 और जो 5 है वो प्रिंट हो जाएंगे, लूप हमारे पास स्टॉप नहीं होगा। हमारे पास 1, 2, 4 और 5 जो है वो एग्जीक्यूट हो गया लेकिन 3 जो है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट की वजह से प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरह हम डिफरेंट जो लूप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं पीएचपी में।